Hey everyone, it's me Hamza and you are watching HDDX. Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है हम जल्द अपने कमरे में वापस शिफ्ट होंगे. हमारा बैकग्राउंड हमें पसंद आता था, वही सिंपल्स वाला, वो हो जाएगा बस थोड़े दिन और. तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं, टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, क्या होता अगर शहरी इलाकों में भी बर्फ़बारी होती, फिर चाहे वो भारत के हों या पाकिस्तान के या किसी भी जगह के. भाई देखो, हिल स्टेशन पर घूम फिर के आना वो तो एक अलग वो है, लेकिन अपने शहर में बर्फ़बारी पड़ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, जिन इलाकों में होती है ना उनकी बंद हुई पड़ी होती है. तो हमारा भी यही हाल होना था, लेकिन हम वीडियो देखते हैं जी. इंडिया प्लस की तरफ से है, स्टार्ट करते हैं. 3, 2, 1 एंड गो. दोस्तों, भारत जैसे देश में गर्मी बहुत पड़ती है. भारत की गर्मी अच्छे अच्छे विदेशियों का पसीना छुड़ा देती है. यही कारण है कि भारत के गर्म मौसम में लोग अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि काश भारत के अंदर भी यार बर्फ पड़ रही होती. गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है लोगों के, तो वो कहते हैं कि काश भगवान छत से बर्फ गिर रही होती तो मजा ही आ जाता. हालांकि बर्फ में रहने वालों की जो प्रॉब्लमें हैं, कोई कनाडा अमेरिका जाकर पूछे कि बर्फ में कैसे जिया जाता है. लेकिन एक बार के लिए तो भारतीय कह देते हैं कि बर्फ में यार बर्फ पड़े तो मजा ही आ जाए. लेकिन दोस्तों, क्या आप बिलीव करो कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिस टेक्नोलॉजी के चलते आपके शहर में अगर बर्फ पड़े तो इस तरीके का माहौल बनेगा, आपको पिक्चर बनाकर दे दी जाएगी. ऐसा ही कर दिया है दोस्तों एक ट्विटर यूजर अंशुमन चौधरी ने. उसने अपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और नई दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों को जब स्नो पड़ती है उसका रंग दे दिया उस सॉफ्टवेयर की मदद से. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि गर्म मौसम की जगहों को भी आप सर्द मौसम की जगहों की तरह बना सकते हैं. सबसे पहले तो उसने नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते मेकओवर किया, फिर उसने कोलकाता का भी मेकओवर किया. तस्वीरें आपके सामने हैं, कोलकाता में स्नो पड़ रही है, दिल्ली में स्नो पड़ रही है. कंप्यूटर दोस्तों आजकल इस तरीके से एडवांस हो गए हैं. भारत की एम्बेसडर कार खड़ी है पुराने कोलकाता के अंदर और बर्फ पड़ रही है, लोग छाता लेकर घूम रहे हैं. तो आपको ये नजारा लग सकता है कि किसी दुनिया के दूसरे देश का होगा. हम तो कुछ और ही सोच के आए थे कि जनाब कोई सिनेरियो होगा कि मतलब बर्फ पड़े तो क्या ही पड़े हालात होंगे लोगों का, शायद हो सकता है कोई वो हो, कोई न्यूज़ रिपोर्ट हो. यहाँ तो कुछ और ही निकला. यहाँ तो एक सॉफ्टवेयर की मदद से किसी ने एक पिक्चर दिखाई है कि अगर इन इलाकों में बर्फ़ पड़ती तो दिखने में कैसे होते. और नो डाउट दिखने में तो एंटीक पीस अच्छा ही लगता है हर एरिया, लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूँ बंदा रोने लग जाता है एक टाइम पे कि अब क्या करें. बड़ी मुश्किल हो जाती है यार, हिल स्टेशन पे जाना एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए और बात है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनके अपने ही मसाइल होते हैं. एग्री करते हैं कि नहीं? लेकिन इस वीडियो में हमारे साथ क्लिक पेट वाला हाथ हो के, अब हमने देखी है तो आपने भी देखी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. सी यू गाइस.